हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। मैंने आपको साइंस की 7 क्लासेस पढ़ाई हैं और उन 7 क्लासेस के बेस पर मैं आपके लिए क्विज लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का एक क्विज है, इसमें आपको आंसर देना है। ये आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, जिनके आंसर मैं अगली क्लास में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्विज आपका स्टार्ट होने वाला है, आप इसे देखिए और कमेंट्स करके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डाल के वहाँ पर आंसर आप टाइप करके सेंड कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने 7 क्लासेस बखूबी पढ़ी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं और आगे भी एग्जामों में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप इनको देखिए और जो हमारे गति और यूनिट्स के कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर हुए थे उन पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो क्विज को ध्यान से देखिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आपको, आज नहीं तो कल आपका जितना तय है, आज नहीं तो कल आपका जितना तय है, यदि आपको अपने जीतने का यकीन है, ठीक है। तो यकीन रखिए, अगर आपकी इच्छा और यकीन है तो आपका जितना तय है। चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं आज। चलिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन का पहला गति नियम सकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम सकल्पना देता है। ऑप्शन दिख रहा है आपको साथ में, ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की। आपको ऑप्शन देखकर और टिक करते जाना है, सॉरी कमेंट करते जाना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम सकल्पना देता है। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा की, दूसरा है कार्य की, तीसरा है संवेग की और चौथा है जड़त्व की। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और आपके सामने इसके ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम। और चौथा ऑप्शन है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। तो वापस से मैं ऑप्शन रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है क्वेश्चन है, और ऑप्शन आपके सामने जो दिख रहे हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम। और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी है, उसके आधार पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से संबंधित चोट लगने का कारण क्या है। जब पत्थर से चोट लगती है तो उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है जड़त्व, ऑप्शन सेकेंड है वेग, ऑप्शन थर्ड है प्रतिक्रिया, और ऑप्शन फोर्थ है यहां पर संवेग। फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन है जड़त्व, सेकेंड ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास संवेग। चलिए इसके भी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके सेंड कीजिए मुझे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास, एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड। ऑप्शन दे रखे इसके, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है त्वरित नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है त्वरित हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है हमेशा त्वरित होता है, और चौथा ऑप्शन है एक समान वेग होता है, ठीक है। तो आपको इसके भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका हमने क्लास में, लास्ट क्लास में बखूबी इसको समझा भी है। तो क्वेश्चन आपके सामने, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन उसके वास्तविक वजन से कब कम रहता है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है ये पूछी है इसने। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन जो रहेगा वो वास्तविक वजन से कम रहता है। ऑप्शन फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, ठीक है, लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो। दूसरा ऑप्शन है जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, और चौथा ऑप्शन है जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन देखकर और कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी जो भी आपका आंसर आ रहा है वो टाइप करके सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कार के स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास त्वरण, सेकेंड है औसत वेग, थर्ड है तात्कालिक वेग,
और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वापस से कार के स्पीडोमीटर से 6 नंबर का क्वेश्चन है, त्वरण, दूसरा औसत वेग, तीसरा है तात्कालिक वेग और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या व्यक्त होता है। फिर से, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या व्यक्त होता है, आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है फर्स्ट चाल, ऑप्शन सेकेंड है हमारे पास वेग, ऑप्शन थर्ड है त्वरण और ऑप्शन फोर्थ है संवेग। स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या शो होता है, ये पूछा है इसने। ऑप्शन है चाल, वेग, त्वरण और संवेग, सामने दिख रहा है आपको, आप टाइप करके कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, संवेग से रिक्त स्थान का माप होता है, संवेग से रिक्त स्थान का माप होता है। ऑप्शन फर्स्ट द्रव्यमान का, ऑप्शन सेकेंड भार का, ऑप्शन थर्ड वेग का, ऑप्शन फोर्थ गति का क्वांटम। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, फिर से बोल देता हूं मैं, संवेग से किसका माप होता है, फर्स्ट है द्रव्यमान, दूसरा है भार, तीसरा है त्वरण और चौथा है द्रव्यमान, भार, वेग और गति का क्वांटम। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपने पास 9th, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसका मान प्राप्त होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसका मान प्राप्त होता है। फर्स्ट है बल का, सेकेंड है त्वरण का, थर्ड है संवेग का और फोर्थ है आवेग का। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसका मान प्राप्त होता है, पढ़ा है हमने, बल का, त्वरण का, संवेग का या आवेग का। लास्ट 10th जो क्वेश्चन है अपना, 10th क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है चाल, ऑप्शन सेकेंड है वेग, ऑप्शन थर्ड है त्वरण और ऑप्शन फोर्थ है मंदन। वापस से, ऑप्शन फर्स्ट चाल, ऑप्शन सेकेंड वेग, ऑप्शन थर्ड है त्वरण और ऑप्शन फोर्थ है मंदन। तो ये 10 क्वेश्चन हुए हैं, सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करने हैं, देखते हैं आपको ने कितना पढ़ा है और आपने कितना नॉलेज गेन किया है। ये सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं और आपके इस क्लासों के एक प्रॉपर नॉलेज को शो करेंगे कि आपने कितना नॉलेज लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि आपको आज जो क्लास में बताया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्लास के वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अलग अलग एग्जामों के, ये समय समय पर आपको अलग अलग जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें शेयर करने हैं और आपको भी चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। डेली के हम आपको के लिए क्लासेस ला रहे हैं, उन क्लासों का आप बखूबी लर्न कीजिए और उनका पूरा पूरा प्रयोग कीजिए और नॉलेज को गेन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।